हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आई टू स्टडी टीम पर। आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर है दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। ठीक है, सीजी का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, सीजी वोट के त्रैमासिक पेपर 26 सितंबर 2022 के त्रैमासिक पेपर स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। आपका विज्ञान का पेपर रहेगा 26 सितंबर 2022। ठीक है, तो आपको मैं इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर लेकर आई हूं दोस्तों। इस वीडियो में आपको कंप्लीट पेपर करवाऊंगी, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, इस वीडियो में आपको त्रैमासिक पेपर कंप्लीट करवाऊंगी। पूर्णांक रहेगा आपका 50 नंबर का और समय रहेगा 2 घंटे का। ठीक है, तो पहले नंबर पे दिए गए आपको खाली स्थान भरिए। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। दोस्तों मैं आपको क्लास 8th के ऑल सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन करवाऊंगी, ऑल सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन करवाऊंगी दोस्तों त्रैमासिक पेपर के लिए। ठीक है, और मैं आपको ऑल सब्जेक्ट के पेपर भी करवाऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहले नंबर पे दिया है आपको खालिस्तान भरना है। पहला है सबसे चमकीला ग्रह है, और सेकंड दिया गया है गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। अगला है धातुओं की संख्या अधातुओं से है। अगला है भंगुर होती है, और अगला दिया गया है अम्ल वर्षा और गैसों के कारण होती है। यदि दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे दिए गए हैं आपको, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपको, ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखा चित्र खींचकर विधि का वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे दिए गए आपको, सही जोड़ी बनाइए। पहला है ऑक्सीजन, अगला है नाइट्रोजन, अगला दिया गया है स्टेनलेस स्टील, अगला है क्लोरीन, अगला दिया गया है सोना। ठीक है, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। आपको त्रैमासिक पेपर में यह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका पेपर रहेगा, साइंस का पेपर है दोस्तों आपका 26/9/2022। ठीक है, 26 तारीख को आपका पेपर है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिए गए आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ा ग्रह एवं 3 वल्लियों वाले ग्रह का नाम बताइए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन परत क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं। छठवां क्वेश्चन दिया गया, संरक्षण से आप क्या समझते हैं। विद्युत लेपन कर धातुओं को किस प्रकार संरक्षण से बचाया जा सकता है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, आभूषण बनाने में सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में क्यों लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं। और दसवां क्वेश्चन दिया गया है, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई 2 उदाहरण देके समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5 पे दिए गए आपको, कारण बताना है, किन्हीं 2 के कारण बताना है। अगला है, ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है। अगला है सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्यों दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, ये आपको त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यदि दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अगले सब्जेक्ट का पेपर भी मिल सके। ठीक है, इसलिए जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो, टाइम टेबल जारी हो चुका है आपका सीजी बोर्ड का। ठीक है, टाइम टेबल जारी हो चुका है त्रैमासिक परीक्षा का। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में टाइम टेबल समझा दिया है, यदि आपने
पिछली वीडियो नहीं देखी है तो टाइम टेबल ज़रूर देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।